अभी अभी जो है यहाँ पे राजीव नगर जो काशी नगर चौक है वहाँ पे गोली चली है, और गोली चलने जो गोली चली है वो बीजेपी के कार्यकर्ता रैंका में जो रहते हैं मिस्टर लियाकत हुसैन जी, उनकी स्कॉर्पियो गाड़ी है उन पे चली, और हमारे साथ यहाँ पे खुद लियाकत जी मौजूद हैं, पूरी घटना की जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। लियाकत साहब, क्या पूरी जानकारी है, क्या हुआ था, किस तरह से ये गोलीकांड जो हुआ है? बेसिकली मैं वहाँ पे था ही नहीं जी, जिस वक्त मैं आया तो वहाँ पे पुलिस भी थी, जब मुझे देखा जाके तो मेरी गाड़ी पे नीचे गोलियाँ पड़ी हुई, तो गाड़ी के ऊपर फट फूट बड़े हुए, शीशे टूटे हुए थे, मैटिंग चेंज हुई हुई गाड़ी की पूरी देखभाल, और मुझे ये भी नहीं पता बीजेपी के पीछे पोस्टर भी मेरे लगे थे दो, वो पोस्टर भी शीशे के साथ ही गए। तो जब मैं आया तो वहाँ पे गोलियाँ पड़ी हुई थी, मुझे खुद नहीं पता ये हुआ क्या, क्या कैसे हुआ, इस चीज़ की मुझे कोई जानकारी नहीं, किसने गोलियाँ चलाई, क्यों चलाई, ये चीज़ें हमें अभी तक पता नहीं लगा। पुलिस के पास है स्कॉर्पियो गाड़ी, थाने में बंद है, अभी मेरी खुद लाई है इन्होंने थाने में। आपकी आपकी गाड़ी वहाँ पे कैसे पहुँची और आप कहाँ पे मौजूद थे? मेरी गाड़ी काशिम नगर चौक में लगा के जाता हूँ, वो डेली वहाँ आप ऑटो वालों को पूछो, वहाँ पे मेरा चौक है, ऑटो वाला अपना जितने भी हैं लड़के अपने हैं मेरे, उनके साथ आया हेलो है, उनके पास मैं गाड़ी लगा के किसी के साथ भी चले जाता हूँ मैं, तो जिसके साथ भी मैं जाता हूँ तो निकल जाता हूँ वहाँ गाड़ी लगा के। आज भी वैसे ही मैंने गाड़ी लगाई थी वहाँ पे, कम से कम 10-20 मिनट आधा घंटा गाड़ी वहीं पे थी लगा के। मैं जैसे ही गाड़ी लगा के निकला तो मुझे 10-20 मिनट के बाद आधे घंटे के बाद कॉल आती है, ये आपकी गाड़ी टूट गई है, वहाँ पे फायरिंग हुई है। मैं हूँ किसने चलाई, क्यों हुई फायरिंग, और मुझे खुद नहीं पता फायरिंग क्यों हुई वहाँ, पुलिस देखे मैं गिरवा के मैं रोड पे बैठ के, मुझे ये भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं कैसे हुआ। मुझे अपनी गाड़ी रूटीन की तरह जो है वहाँ पे खड़ी करके घर चले गए, वहाँ पे खड़ी रहती है रवाल चौक में बत्रा में, हर दिन मेरी गाड़ी कहीं तो कहीं करके मैं लोगों के साथ मीटिंग करने लगा जाता हूँ, कहीं किसी के साथ बातें ख़त्म करने जाता हूँ, किसी के साथ कहाँ चला जाना लोगों के साथ, क्यों पब्लिक डीलिंग है हमारी वैसी, तो लोग हमें ले जाते हैं वहाँ, मैं गाड़ी कभी अपने चौक में, कभी काशिम नगर चौक, कभी भिंडी में होती है आपको पता है। तो वैसे भी आज मैंने गाड़ी जैसे ही ड्रॉप की तो कोई फायर निकाल के, तो फायरिंग नीचे पड़ी थी तो शीशे अंदर से गाड़ी के, और मुझे नहीं पता जी किसने क्या किया क्या नहीं। क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? 799CD 799। तो इस तरह का जो हमला है ये पहला है या इससे पहले भी कोई धमकियां वगैरह कुछ आपको मिली? पहले जो धमकियां थी, देखो मैं लाठी लेता हूँ, जो भी धमकियां पहले भी लोग देते थे, मगर मैं इतना वो नहीं देखता हूँ, छोड़ो मैं हूँ, लोग मजाक करते हैं मेरे साथ, तो आज मेरे साथ सच में हो गया, तो मुझे पता नहीं क्यों हुआ कैसे हुआ किसने किया, वो अभी प्लीज जानकारी में पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं। आपको किसी पे कोई शक शुबा या कुछ इस तरह का? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं। तो आपके जो बीजेपी के जो लीडरान हैं क्या उनकी नॉलेज में ये सब चीज़ें आई? बिल्कुल, मैंने कविंदर साहब को ही बोला है, अंकुश भैया जनरल सेक्रेटरी हमारे अंदर है बीजेपी के, तो बीजेपी की फुल सपोर्ट है, वो साथ में, जहाँ कविंदर जी भी बार बार फ़ोन कर रहे हैं मुझे। क्या मतलब पहले इससे पहले कभी ऐसा लगा कि आपको कोई जान का खतरा या कुछ इस तरह का? देखो मैं रैका में रहता हूँ, ऊपर एरिया आपको पता है रैके की स्टोरियाँ आपने काफ़ी, मैं लोगों के साथ ही रहता हूँ, तो ऊपर ओपन में मैंने एजेंडा भी बीजेपी का लगाता हूँ, गाड़ियों में पोस्टर भी मैं बीजेपी का लगाता हूँ, क्यों मैं कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, कोई मार देगा तो बीजेपी के साथ ही मरेंगे, तो बीजेपी साथ ही रहेंगे। कोई खाली गाड़ी पे इस तरह से क्या उनको कोई गलतफहमी हुई होगी या किस तरह से देखते हैं आप? शायद गलतफहमी भी हो सकती है तो जानबूझ के भी, मैं ये किसी पे दोष नहीं लगाना चाहता हूँ, जिसने भी किया वो मेरे सामने आ जाए, हाँ भाई मैंने किसी और पे करना था, माफ़ी मांग ले तो बात ख़त्म, हाँ जिसने जान के किया तो उस पर पुलिस एक्शन करेगी, इतने हमारे लिए सब एक जैसे हैं। तो अभी तक की कार्रवाई में क्या सामने आया? अरे भाई अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, अंदर बैठे हैं DSP साहब बैठे हुए हैं, चूँकि SHO मैडम बैठी हुई है, तो देखते हैं क्या करते हैं कार्रवाई फर्दर। जो कार्रवाई है अभी इसका जो है पूरा पता नहीं लग पाया है कि कारण क्या रहे इसके पीछे के, कि दो गोलियां चली हैं और जो जो तेज धार हथियारों से जो उस पर वार किए गए हैं गाड़ी के ऊपर, हालांकि ये वहां पे मौजूद नहीं थे। ये देखो ये है सेल, आप देखो ये शेल जो है ये रिकवर किए गए हैं, ये दो गोलियां चली हैं। तो मैं गाड़ी दिखाता हूँ आपको। जी जी जी, ये आप गाड़ी देखो मेरी गाड़ी, ये देखो जूम करो आप, देखो बीजेपी का पोस्टर की क्या हालत की है आप देख सकते हो, ये बीजेपी का पोस्टर है मोदी साहब, तो ये शीशे टूटे हुए, एक पोस्टर यहाँ था वो टोटली ख़त्म है, ये देखो। तो और दिखाता हूँ आपको एक सेकंड में, एक हाँ, तो ये वीडियो पूरी गाड़ी की दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये इधर भी फट बजे हुए हैं एक दो जगह, तो इधर चौंक में खड़ी रहती है, आप देखो कितने साइड पर गाड़ी खड़ी है,
अब गाड़ी अंदर से भी देखते हो, थाने के अंदर है गाड़ी, उसके अंदर कितनी चीजें क्या, लोगों ने तो देखा होगा, किसी ने बताया, लोगों ने देखा कि इधर आए, उन्होंने गाड़ी पे फट फूट और फायरिंग निकाली यहाँ पे। तो मैंने जैसे ही पता लगा बाद में तो मैं पहुँचा तो, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था, पुलिस वहाँ पे थी, इतना पता है मुझे। इन्वेस्टिगेशन जारी है, कारणों का पता जो है वो लगाया जाएगा, आखिर इसके पीछे के कारण क्या रहे हैं और क्यों जो है इस तरह का हमला जो है इस गाड़ी पे किया गया है। फिलहाल बड़ी खबर ये है कि बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लियाकत हुसैन जी, इनकी गाड़ी पे जो है हमला हुआ है, दो गोलियां चली हैं और तेज़धार हथियारों से जो है वो उस पे जो है फट जो है वो लगाए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जारी है, कारणों का पता जो है वो लगाया जाएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, मैं अरफाज़ अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।